कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी, दिस इज 12 फरवरी। करंट टाइम आपको बता दूं, दिस इज इवनिंग के बज रहे हैं 7। और लोकेशन की बात करें तो आपको जरा पैन करके अगर मैं दिखाऊं तो आप ये देखोगे, दिस इज ISBT कश्मीरी गेट। और ना जाने कितने दिनों के बाद आपके सामने फाइनली अब एक बस जर्नी, और मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि बैक टू बैक बस जर्नीज भी आपके सामने आने वाली हैं। अगर आपको जानकारी हो, इंडिया में बहुत रिसेंटली मैं कहूँगा एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, दिस इज़ फ्लिक्स बस, जो कि एक जर्मनी की कंपनी है। तो और आपके लिए इसका बस व्लॉग नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? शुरू करें। नहीं देखिए, आपको स्टाइल बता दो, कमॉन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए, बिकॉज मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ, और हम दोनों हैं #, एक नए ब्लॉग के साथ। आप देखिएगा यहाँ पर ISBT कश्मीरी गेट। तो अगर आपको बस जर्नीज पसंद हैं, दिस व्लॉग इज़ फॉर यू। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। सोचिए, एक जर्मन ब्रांड जो ऑपरेट करता है इन मोर देन 40 कंट्रीज, 4 लाख से ज़्यादा रूट, अब वो इंडिया में है और ऑपरेट कर रहा है ऑन मोर देन 45 रूट्स, आप कह लीजिए। पूरी डिटेल में बात करेंगे, कॉस्टिंग वगैरह, कौन से रूट पर आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, सब कुछ आपके सामने। तो बस मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एक और बस जर्नी, चलिए शुरू करते हैं। आपको ज़रा ये और दिखा दूँ, इनकेस अगर आपकी दिल्ली से बस है ना, अगर आपका दिल्ली से बोर्डिंग पॉइंट है, आप वहाँ देखोगे वो हो गया ISBT कश्मीरी गेट, लोकेशन आप देख लीजिएगा। और देखो यहाँ पर आपको ये दिखाना बनता है, ये है फ्लिक्स बस का बस लाउंज आप कह लीजिए या बोर्डिंग पॉइंट आप कह लीजिए। फर्स्ट क्लास आपको ऑफिस यहाँ मिलेगा, एकदम वेटिंग एरिया आपका लाउंज यहाँ पर हो गया। देखो जैसे ही आप आओगे फर्स्ट क्लास, बिकॉज अभी क्या है कंपनी की सिर्फ नई शुरुआत हुई है। आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा आग पर लेके चलिए, पैसेंजर्स आप आते हुए बोर्ड करते हुए देखो, यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास सिटिंग एरिया बनाया है। आप यहाँ पर अगर इनकेस बिफोर आते हो तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। यहाँ पर पानी का वगैरह सब कुछ हो गया, और हमारे संग यहाँ पर सौम्य जी मौजूद। आर यू रेडी फॉर बस जर्नी? और सबसे अच्छी बात है, देखो वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों वॉशरूम्स ही आपको मिलेंगे। देखो बस जर्नीज में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना वॉशरूम्स की, वो आपके संग यहाँ पर नहीं होगी। तो हमारी बस है कहीं और फिलहाल हम यहाँ पर लाउंज में वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ हमारी बस है यहाँ से हमारा पिकअप है, हम जाएंगे रिक्शे में जैसे भी वो कंपनी अरेंज करेगी, और जहाँ बस है वो मैं आपको लेके चलूँगा, है कि नहीं। एक नया कंपनी ब्रांड इन इंडिया, अरे सबको, अरे आपको आपको भी लेके जाएंगे। देखो फर्स्ट क्लास, ये देखो एकदम फ्लिक्स बस का आप देखोगे यहाँ पर लाउंज है बिल्कुल नया ना, देखो कलर आप देखोगे सब एकदम चमकता हुआ। चलिए एक और जर्नी की शुरुआत करें, हम चले दिल्ली टू वाराणसी, मज़ा आएगा। वहाँ पर हमारा वो लाउंज एक्सेस था, हार्डली 5 मिनट की वॉक करके आप देखोगे यहाँ पर जितनी बसेज हैं सब पार्क हैं। आप देख सकते हो फ्लिक्स बस, सर्विस नंबर हो गया IN0426। जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली टू हम चले वाराणसी, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा बिकॉज न्यू कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है, तो इंडियन सर्विसेज के हिसाब से अडॉप्ट करने में शायद थोड़ा बहुत टाइम लगे, आपको दिक्कत हो। मैं सोच रहा था शायद वॉल्वो होगी, बट ये वॉल्वो नहीं है। अगर आप देखोगे दिस इज़ नॉर्मल बस, बट दिस इज़ स्लीपर, सबसे अच्छी बात है AC स्लीपर। तो अब आपको अंदर लेके चलेंगे, आपको दिखाना है इंटीरियर। और जैसा आपको बताया इंटरनेशनल बस कंपनी है, अभी करंटली मोर देन 45 रूट्स, फ्लीट साइज़ अगर आप देखोगे लगभग 20 बसेस फ्लिक्स बस के पास हैं, और इंडिया में महज इसकी शुरुआत है। आप वाराणसी जा सकते हो, मनाली जा सकते हो, अयोध्या जा सकते हो, देहरादून जा सकते हो, एंड देर आर मैनी मोर रूट्स। अभी आने वाले टाइम में अभी और भी रूट्स ऐड होंगे, बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता जा रहा हूँ। जी देखो पूरा अभी शुरुआत हो, जर्नी की स्टार्ट होने दीजिए, फिर आपको पूरी बस दिखाएंगे, बट सबसे पहले आपको इंटीरियर बनता ज़रूर है। यहाँ पर आप बस देख सकते हो, जो ये जगह है ना बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। चलिए आपको ज़रा इंटीरियर दिखाते हैं पहले जल्दी से। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा, ये केबिन राइड आपको आगे दिखाएंगे, सबसे अच्छी बात है सिक्योरिटी के हिसाब से CCTV कैमरा होगा। और अगर आप बस देखोगे तो बस हो गई टाटा की। चलिए यहाँ पर चलता हुआ और ये इंटीरियर आपको दिखा दें। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी की बात करेंगे, सो इट इज़ 38। यहाँ पर ये डबल मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पर आपको ये ब्लैंकेट हो गया, ये चार्जिंग पॉइंट अगर आप देखोगे उस तरफ नीचे आपको चार्जिंग पे एकदम कंफर्टेबल बिल्कुल नई बस जैसा आपको था, वाटर बॉटल होल्डर वगैरह सब सामान वगैरह रखने के लिए। और ये हो गया आपका यहाँ पर सिंगल का, आपको दिखा दूँ इनकेस अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। ये देख लीजिएगा ये इंटीरियर, आगे चलेंगे जैसा आपको, हाँ ये भी चल रहा है वाराणसी हमारे संग, क्या बात है। टोटल पैसेंजर कैपेसिटी आपको बताई थी, इट इज़ 38। आप देखोगे मेरे हिसाब से एकदम
बिल्कुल मस्त है एज़ कम्पेयर टू अदर बसेज़। आपको देखो वो ऑप्शन भी मिलेगा, यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह ये सब हो ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास, और सबसे अच्छी बात है प्रिवेसी के हिसाब से अगर आप देखोगे ये कर्टेंस वगैरह भी होगा, और कर्टेंस भी सोचिए ग्रीन कलर में यहाँ पर ना दिया, ये हो गया। और जो आज सीट हमने ली है, ये सौम्या जी हमने ली है, दिस इज़ 5D 5A, लोअर हो गया 5A एंड 5D, हमने लोअर एंड अपर लिए। तो लास्ट तक मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये पूरा डबल में एक बार फिर से आपको दिखा दिया, और ये डबल का लोअर में इनकेस अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो या कपल में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। देखो पीछे इमरजेंसी एग्जिट आपको मिल गई, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर भी CCTV कैमरा हो गया। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट की सीट कोशिश कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा, उसका रीज़न आपको बताइए इनकेस अगर आप बस जर्नी करते हैं। तो आपको इंटीरियर कैसा लगा पूरी बस का? सबसे अच्छी बात है देखो लाइटिंग कितनी मस्त है। अभी थोड़ा जर्नी को क्या शुरुआत होने दीजिए, फिर मैं आपको आगे एक्सटीरियर भी मेरे को आपको अच्छे से दिखाना। और हमारे संग भैया मौजूद हैं फ्रॉम फ्लिक्स बस। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, कैसा लगता है? सर बहुत प्राउड फील होता है, फॉरेन कंट्री जर्मनी की कंपनी है ये जी, हमारे इंडिया में सबसे पहले एशिया में सबसे पहले इंडिया में दिल्ली में कश्मीरी गेट में गाड़ी अवेलेबल है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स फीडबैक हमें मिल रहा है। ये हमारा सर ड्राइवर है बहुत अच्छा पिकअप है, ये वाराणसी रूट पे है, अयोध्या में है, कानपुर में है, आपका मनाली रूट पे है, जैसलमेर आपका जयपुर वाले रूट पे है गाड़ी हमारी, और आपका अमृतसर में है। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है सर, धर्मशाला में है, और बहुत अच्छा सर फीडबैक मिल रहा है सर। अभी गाड़ी निकलने का टाइम करिए सर, और आने वाले टाइम में अभी और भी फ्लिक्स बस की लग्जरी बसेस आपको देखने को मिलेंगे। यस, ये आप कश्मीरी गेट से सर, यस यहाँ पर आप ये लोकेशन देख लीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम नहीं है, 7:30 बिल्कुल एग्जिट डिपार्चर टाइम करना है। आइए यहाँ से एक और सफरनामा की शुरुआत करते हैं। सफर की शुरुआत की थी 7:30, राइट नाउ इट इज मान लीजिए 11 बज चुके हैं, ठीक है। हम आपको बता दें करंट लोकेशन ये हो गया मथुरा, और अगर आप ये देखोगे तो ये है यमुना एक्सप्रेसवे, आप वहाँ पर देख सकते हो। जरा बताइए आपका फ्लिक्स बस का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट क्लास, मजा आया, कम्फर्टेबल है। और प्लीज आपको पहले बता दें दिस इज नॉट अ पेड वीडियो, अदरवाइज लोगों को लगेगा कि भाई बोलने के इसको पैसे मिले, ठीक है। कॉस्टिंग का आपको बता दूं जो हमने पे किया है इट इज 850 रुपीज पर पर्सन। नॉर्मली अगर आप दिल्ली टू वाराणसी का जो फेयर है स्लीपर का आपको बता दूं 1500-1700, बट ये इतना कम क्यों है? बिकॉज अगर आप देखोगे नई कंपनी लॉन्च हुई है तो आप डिस्काउंट ऑफर आप कह सकते हो। अच्छा। दिल्ली टू वाराणसी का डिस्टेंस अराउंड 800 किलोमीटर टाइम लगेगा, लगभग 15 घंटे की जर्नी आप मान लीजिए। सबसे अच्छी बात जो लगी बस में, वॉशरूम ऑन बोर्ड। अच्छा। बिकॉज न्यू बस है तो फिलहाल वॉशरूम में काम चल रहा है, बट आई एम श्योर जब आप आओगे तो वॉशरूम भी ऑन बोर्ड होगा। अभी फिलहाल फ्लिक्स बस गई है दिल्ली टू गोरखपुर वाली, सोचिए अलग अलग रूट पर, और कुछ रूट्स पर आपको वॉल्वो भी मिलेगी। सो कॉस्टिंग फिलहाल लिमिटेड है, अगर आप इन रूट्स पर ट्रैवल करने वाले हो तो ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार, मैं कहूँगा। और आपको टिकट जो है इतने कम प्राइस पर मिलेगी, सोचिए मतलब एक नई कंपनी आई है उसकी वजह से सोचिए आप कितने लोगों को कंपैरेटिव प्राइसेस हैं वो, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बिल्कुल है कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखिए, करंट मथुरा का टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस। और मथुरा से याद आया मेरी कृष्ण जन्मभूमि तो है ही, प्लस मेरी जन्मभूमि जहाँ हमारा जन्म हुआ। ये देखो फिलहाल हमने डिनर ब्रेक लिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, और जो ढाबा वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास ढाबा है, वॉशरूम एक नंबर है कि नहीं? सब खाना पीना वेज और नॉन वेज दोनों आपको मिलेंगे। देखो बाहर आपको फ्रूट जूसेस और बाकी चीजें वो सब मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पर पूरा जितने भी पैसेंजर्स हैं पूरी बस लगभग फुल जा रही है, पैसेंजर्स उतरे हैं, मतलब खाना पीना करेंगे और फिर यहाँ से एक बार फिर से सफर की शुरुआत करेंगे। इस वाली जर्नी में हमारे संग दो ड्राइवर दादा हैं, अब तक आप ड्राइव कर रहे थे दादा। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वाली जर्नी का दिल्ली टू वाराणसी का रूट क्या है? सर देखो जैसे दिल्ली से हम कश्मीरी गेट से अक्षरधाम, हाँ अक्षरधाम से हम सीधा मथुरा पे स्टे करते हैं जी, खाने के लिए जी। उसके बाद सर हम सीधा
इलाहाबाद में स्टे करेंगे सुबह मॉर्निंग ब्रेक। सुबह मॉर्निंग ब्रेक जी हाँ, इलाहाबाद से सीधा वाराणसी। अच्छा, और ये जानना चाहेंगे इस वाली गाड़ी का करीब माइलेज क्या जाता है, कुछ अंदाज़ा? डीजल माइलेज जी अंदाज़ा ये सर 4 किलोमीटर। अच्छा, और टॉप स्पीड क्या हो गई? टॉप स्पीड सर 140 गया, पर इस समय स्पीड लॉक्ड है। हाँ लॉक्ड है। हाँ, तो कितना मैक्स जाता है? मैक्स है 80-85। 80-85। तो इस वाले जैसे आपको बताया दो ड्राइवर दादा हैं, अब ये अब आप रेस्ट करेंगे, ठीक है? वहाँ पर आप देख सकते हो नाइट के ड्राइवर दादा चेंज हो चुके हैं, अब ये कल सुबह ड्राइव करेंगे जी, ठीक है दादा? नई कंपनी के संग काम करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है ना। आपको बता दूँ दिल्ली टू वाराणसी आज ये दूसरी ट्रिप है, बराबर? चलिए, थैंक यू सो मच दादा, आपने बात की। अब आप आराम कीजिए, डिनर विनर हो गया ना सब कुछ, बस अब दादा आराम करेंगे, आगे इनसे बातचीत करेंगे। और यही है सफरनामा, वर्चुअली मेरे संग एक्सप्लोर करते रहिए द हैशटैग ट्रैवल रियल इंडिया। वॉशरूम भी ऑन बोर्ड है भाई, ये ज़रूर है आने वाले टाइम में जितनी भी बसेस हैं वॉशरूम। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप जर्नीज कर रहे हैं आस पास साफ सफाई ज़रूर बनाए रखें। देखो पूरा ये आप ढाबा यहाँ पर आप देख सकते हो, अंदर देखिए मतलब साफ सफाई वगैरह, खाना पीना लोग खाते हुए अपना सब कुछ फैमिली के संग टाइम एंजॉय करते हुए। चलिए अब चलते हैं, सोचो रात को 11:30 बजे हमारे यहाँ पर व्लॉगिंग चल रही है मथुरा में। एक बार बोल दो दीजिए राधे राधे। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, और कहना पड़ेगा देखिए कर्टेंस लगा लीजिए, फर्स्ट क्लास आपको प्रिवेसी मिलेगी। यहाँ आप देखोगे तो मैंने ये साइड लोअर ले रखी है, चॉइस आपकी है जिस भी सीट पर आप ट्रैवल करना चाहें, ठीक है ना। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और फ़िलहाल यहाँ आपको बताइए और कुछ नहीं, तो आराम करेंगे। और इतने दिन बाद बस जर्नी करके सच में मज़ा आ रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा आपके सामने बैक टू बैक व्लॉग्स। और अब तक जितनी बस जर्नीज की हैं, लग्जरी बसेस जितनी भी बसेस हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितने व्लॉग्स देखना चाहें देखिएगा जरूर, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप देखते हैं आपसे कल सुबह मेरी कहाँ मुलाकात होती है, ठीक है ना। बस आपका और मेरा सफ़रनामा इसी तरह चलता रहे, गुड नाइट। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे टू, जर्नी चल रही है दिल्ली टू वाराणसी। सुबह के बज रहे हैं 7:07, ठीक है। और आपको बता दूँ लोकल एरिया ये हो गया कौशाम्बी, और यहाँ पर आप बस देख सकते हो फाइनली हमने ब्रेक लिया है। चाय कैसी है सौम्या? चाय एक नंबर बनाई है यार, मतलब उम्मीद नहीं की थी। नेशनल हाईवे 2 के किनारे आपको मिली है कुल्लड़ वाली कड़क चाय, और ये जीटी रोड भी लगता है क्या वो? क्योंकि सौम्या जी हैं प्रयागराज से तो इनको पूरी जानकारी है। नहीं पूरी जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा पता है। और यहाँ से वाराणसी आप मान लीजिए शायद 3-4 घंटे और लगेंगे, 170 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस। यस, तो अब मॉर्निंग ट्रैफिक भी मिलेगा। और चलिए देखते हैं जब पहुंचेंगे, सफरनामा चलता रहेगा। बट कुल्लड़ की चाय मिल गई, ये नहीं मिलती मुंबई में। देखो डिजाइन देखो, कुछ अलग ही लग रहा है, ये नहीं मिलता मुंबई में। देखो इसलिए कहता हूँ घूमिए भाई साहब, आप अपना देश घूमिए, ये देखो अलग ही वाइब है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है। हाँ, कल रात को पूरी रोड गीली थी जहाँ हम चल रहे थे ना। देखो नींद रात को इतनी अच्छी नहीं आई मैं कहूंगा, बट ठीक है, रोलर कोस्टर राइड चल रही थी। मतलब जैसे ही सोने की कोशिश करो वैसे ही धड़ाम। फाइनली हमने ब्रेक लिया है। अब आप कुछ खाना चाहें, वॉशरूम वगैरह सब मैंने देखा, सब क्लीन है, आप यूज कर सकते हैं। जो मैं चाय एक और चलेगी क्या? नहीं बस, ये देखो एक और ट्रक आया। अरे भाई साहब आराम से आएंगे। अरे अरे सौम्या जी, सौम्या साइड चल रही है तो सोच के आया है कि मैं तुम्हारे व्लॉग में आके रहूंगा। चलते चलते तैयारी बना रहे हम लोग। प्रयागराज क्रॉस करने के बाद, संगम क्रॉस करने के बाद अब आपके लिए बनती है एक केबिन राइड। ये आपको पूरा दिखा दूं, यहाँ पर आप देखोगे बिकॉज वॉल्वो में आपको मिलता है रेयर इंजन, ये है टाटा की। तो आप देखोगे यहाँ हो गया आपके पास फ्रंट इंजन, हमारे ड्राइवर दादा वहाँ पर ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, नाइट में दूसरे थे अब डे में दूसरे ड्राइव कर रहे हैं। और जो मैं आपको वॉशरूम का बता रहा था आपको बता दूँ, ये देखो
ये वॉशरूम है मेल फीमेल दोनों के लिए, बट जैसा आपको बताया था थोड़े टाइम बाद, अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो थोड़े टाइम बाद इसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। और अभी हमने संगम क्रॉस किया है जहाँ पर मेला लगता है। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह क्या है, हल्की हल्की कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, तो आप वेदर देखोगे ना इस समय वेदर क्या है। और आपको मैं कहता ही हूँ जो मज़ा देखिए केबिन राइड में, आपको यहाँ से नज़ारे मिलेंगे ना। और आप देखोगे तो वाराणसी यहाँ से मान लीजिएगा लगभग हाईवे टू हाईवे 120 किलोमीटर, और जहाँ हमको पहुँचना है लगभग 150-160 किलोमीटर आप मान लीजिएगा। बट जर्नी क्या चल रही है, फ़िलहाल मैं यहीं बैठा हूँ और देखिए केबिन राइड से आप ये नज़ारे देखिए। मतलब वो ये ना, अगर आपको बस जर्नीज पसंद है, अगर आपको बसेस पसंद है, यहाँ बैठिए। ये देखो फिलहाल मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर की बस नज़ारे ले रहा हूँ और सफ़रनामा चल रहा है, ठीक है, जितना आपको दिखाना था। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी हमारी डेस्टिनेशन। शुरुआत की थी कल शाम को 7:30 और अब कितने बज रहे हैं? 12:15 ऑफिशियल टाइम था 10:30-11 बजे का। सबसे पहले बोल दीजिए हर हर महादेव की नगरी में। काशी में आपका स्वागत है। सबसे पहले जाएंगे काशी का मतलब महादेव जी के दर्शन करने, ठीक है ना। आपसे यही कहेंगे बस जर्नी रही एकदम फर्स्ट क्लास। अगर आप वहाँ देखोगे आप वहाँ हमारी बस भी देख सकते हो। यहाँ पर हम उतरे हैं, यहाँ से जो वाराणसी जंक्शन है वो लगभग 15 मिनट की दूरी, तो यहाँ से रिक्शा लेके हम जाएंगे वहाँ, ठीक है। बस हमारे संग हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। एक बार फिर से आ गए, ट्रैफिक में शायद आवाज़ कम आए उनको, नहीं आवाज़ आएगी जिंदा हो तो। एक बार फिर से आ गए काशी। अगर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द विद बैक टू बैक ट्रैवल वीडियोज। टाटा, टेक केयर। दिव्य काशी, भव्य काशी।